नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों के स्वेटर के लिए दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में आप सभी फंदे सीधे बना लें। इस लाइन में अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, यहाँ पे हम दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे और पहले रंग के ऊन से 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 2, 3, 4। और अब दूसरे रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। फिर पहले रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पहले रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा, फिर दूसरे रंग के ऊन से 3 फंदा उल्टा और लास्ट में 4 फंदा बचा है, तो इसे दूसरे रंग के ऊन से 4 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, अब यहाँ पे हमारा ये 4 फंदा दूसरे रंग के ऊन से बुना हुआ है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या सीधा बुन लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3 उन दूसरी ओर करेंगे और ये पहले रंग के ऊन का इसे 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3। दूसरे रंग वाले जितने फंदे हैं वो इस लाइन में उल्टे बुने जाएंगे और पहले लाइन वाले रंग वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे, यानी काले रंग वाले सभी फंदे उल्टे और ग्रे रंग वाले सभी फंदे सीधे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे और ब्लैक कलर वाला जो 3 फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर ग्रे कलर वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और काले रंग वाला फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और हाथ हम ढीला चलाएंगे। और लास्ट फंदा उल्टा। 7th रो, 5th रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, काले रंग वाला फंदा उल्टा बुना जाएगा, यानी दूसरे रंग वाला फंदा उल्टा और पहले रंग वाला फंदा सीधा। काले रंग वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और ग्रे कलर का जितने फंदे हैं वो सीधे बुने जाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
सिक्स्थ रो और बैक साइड अब अपने मेन कलर से यानी ग्रे कलर से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड सभी फंदे सीधे बना लेंगे। एथ रो और रॉन्ग साइड काले रंग के ऊन से चार फंदा उल्टा। फिर ग्रे कलर से तीन फंदा उल्टा। फिर काले रंग के ऊन से तीन फंदा उल्टा। फिर ग्रे कलर से तीन फंदा उल्टा। इसी तरह तीन फंदा काले रंग के ऊन से और तीन फंदा ग्रे कलर से उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में ग्रे कलर से चार फंदा उल्टा। सामने से नाइन्थ रो और फ्रंट साइड चार फंदा ग्रे कलर के ऊन से सीधा और फिर तीन फंदा ब्लैक कलर से उल्टा। फिर तीन फंदा ग्रे कलर से सीधा। फिर तीन फंदा काले रंग से उल्टा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो और बैक साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर तीन फंदा काले रंग के ऊन से सीधा। फिर तीन फंदा ग्रे कलर से उल्टा। यानी इस लाइन में काले रंग के जितने फंदे हैं वो सीधे बुने जाएंगे और ग्रे कलर से के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। एलेवेंथ रो और फ्रंट साइड ग्रे कलर के ऊन से चार फंदा सीधा और ब्लैक कलर से तीन फंदा उल्टा। फिर ग्रे कलर का से तीन फंदा सीधा। फिर ब्लैक कलर से तीन फंदा उल्टा। ब्लैक कलर के फंदे उल्टे बुने जाएंगे और ग्रे कलर के फंदे सीधे बुने जाएंगे। ट्वेल्थ रो और रॉन्ग साइड ग्रे कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 12 लाइनों को दोहराते रहना है। बनाने में आसान और बनने के बाद बहुत खूबसूरत। बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।